की कुल संख्या बढ़कर 1,09,04,940 पहुंच गई है। इसमें से अब तक कुल 1,55,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 1,06,11,731 मरीज रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,106 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ठीक होने वाले लोगों की तुलना में नए मामले अधिक दर्ज होने से एक्टिव केस बढ़े हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,37,567 पहुंच गई है। पिछले कई दिनों से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले दो दिनों से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है, तो वही मृत्यु दर 1.43% के करीब है। दूसरी तरफ देश में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक देश में 82,63,858 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में शनिवार को 3,611 नए केस दर्ज किए गए, वही 38 मरीजों की जान गई है। राज्य में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 20,60,186 पहुंच गई है। इसमें से 19,74,248 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 51,489 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 126 नए मरीज दर्ज किए गए, जबकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में कुल केस की संख्या बढ़कर 6,36,796 पहुंच गई। इनमें से 6,24,866 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,041 एक्टिव मरीज हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहां पिछले एक दिन में 477 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 8,44,650 पहुंच गया। इसमें से 8,27,962 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 12,413 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए बन इंडिया हिंदी के साथ।